भारतवर्ष की बेटियों के साथ गलत हुआ है, भारतवर्ष की सारी महिलाएं शर्मसार हुई हैं, पूरा भारतवर्ष शर्मसार हुआ है। इसके लिए आज हम सब महिलाओं में बहुत आक्रोश है, जिसलिए हम लोग आज रोड पे आ गए हैं। क्योंकि नॉर्मल टीचर की बात थी तो पूरे बीजेपी वाले उग्र होकर रोड पे आ गए, लेकिन आज यहाँ महिलाओं की इज्जत की बात है तो बीजेपी वाले आंखें बंद है, मुंह बंद है। मुझे तो शर्म नहीं आता, मैं स्मृति ईरानी को क्या बोलूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूँ आपके साथ सचिन तिवारी। मणिपुर में दो समुदायों के बीच हुए हिंसा के बाद जो तस्वीरें शर्मसार करने वाली जो तस्वीरें सामने निकल के आई, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के द्वारा पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और नारे भी लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग किए जा रहे हैं। हमारे साथ लोग हैं जी, बताइए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मेरे साथी हैं, भाई हैं, विद्वान आदमी हैं। देश में जिस तरह का माहौल है, पूरे हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल है। महिलाएं त्रस्त हैं, बच्चे त्रस्त हैं, बेरोजगार त्रस्त हैं, सब्जी बेचने वाला त्रस्त है, देश का संविधान खतरा में है, बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान खतरा में है। हम महागठबंधन के लोग, आज आप सुने होंगे कि देश का न्यायपालिका मणिपुर के घटना से काफ़ी मरमराहत है, दुखी है। न्यायालय ने इनको कहा है, साहब आप क्या कर रहे हैं? देश में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। जिन महिलाओं को आपने कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या साहब क्या बात कर दिए। उन बेटियों को जिस तरह से नंगा किया, पूरा दुनिया, पूरी दुनिया देखा है। आप देश के जनता के हित में इस्तीफा करो, तब तो भलाई होगा, आ नहीं वरना 2024 में ये जो इंडिया आया है, ये इंडिया आपको नीचे उतार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संवेदना व्यक्त किया गया है और संतावना महिलाओं के प्रति संवेदना व्यक्त किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो संवेदना इनका झूठा ड्रामा है जी। बताइए प्रदर्शन कर रही है आप लोग, क्या कुछ मांगे? कुछ मांगे नहीं है, आज ये भारतवर्ष की बेटियों के साथ गलत हुआ है, भारतवर्ष की सारी महिलाएं शर्मसार हुई हैं, पूरा भारतवर्ष शर्मसार हुआ है। इसके लिए आज हम सब महिलाओं में बहुत आक्रोश है, जिसलिए हम लोग आज रोड पे आ गए हैं। जिस तरीके से महिलाओं को निवस्त्र करके रोड पे उनके साथ बलात्कार किया गया, ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली, आप उसको किस तरीके से देखती हैं? जी मैं बोलती हूँ, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है और मोदी जी को अभी तक कुछ ना कुछ एक्शन ले लेना चाहिए था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो जो 56 इंच का सीना का बात करते हैं, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कहीं से कोई एक्शन नहीं हुआ। एक छोटा सा बस बयान दिए है कि बहुत शर्म की बात है, ये एक्शन लिया जाएगा, लेकिन लिया जाएगा नहीं। आप खुद देखिए कि नॉर्मल टीचर की बात थी तो पूरे बीजेपी वाले उग्र होकर रोड पे आ गए, लेकिन आज यहाँ महिलाओं की इज्जत की बात है तो बीजेपी वाले आंखें बंद है, मुंह बंद है। मुझे तो शर्म नहीं आता, मैं स्मृति ईरानी को क्या बोलूं, उसे चुल्लू पर पानी दूं या डूब मरने की सलाह दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आज हम सब महिलाएं उग्र होकर रोड पे आए हैं, क्योंकि ये जो तानाशाह सरकार है, इसे गद्दी छोड़नी होगी, तभी भारतवर्ष का कुछ अच्छा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संवेदना व्यक्त किया गया है और कहा गया है कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित है उन पे कार्रवाई किया जाएगा। संवेदना वो व्यक्त करके क्या करेंगे? संवेदना तो जो मुझे बीजेपी वालों से हो रही है कि कितने घटिया लोग हैं, शायद इनके घर में माँ बहने बेटियां नहीं है तभी ये ऐसी हालत कर रहे हैं। जिस तरह का वीडियो देखिए, वीडियो देख के मतलब मुझे आंसू आ जा रहा है, एक महिला होने के नाते बहुत अजीब सा हो रहा है कि हम लोग किस देश में रहते हैं। यहाँ जहाँ पे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा था, शायद ये नारा इसलिए दिया जा रहा था कि बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बेटियों को इस तरह से नंगा करके रोड पे रखा गया था, रोड पे घुमाया गया था। आज ये घटना भी मोदी जी की सरकार में होगी, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और मोदी जी अभी तक शर्म से मरे नहीं, जिंदा है और बयान दे रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। जिस तरह से ऐसी घटनाएं घट रही है देश में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे लगाते हैं, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है देश में, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बोलती हूँ ये नारा नहीं, ये चेतावनी है महिलाओं के लिए कि अब हमें जागना होगा, अब कोई कृष्ण नहीं आएगा हमें जगाने, हमें बचाने, अब हम सबको जागना होगा और ये जो मोदी जो तानाशाह सरकार है उसे गद्दी से उतारना होगा।
देखिए हमारे पीछे कुछ और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और मणिपुर हिंसा को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो रोड पे बैठ गई हैं, जो जेडीयू के जो नेता हैं वो रोड पे बैठ गई हैं। और जी बताइए, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? निश्चित रूप से, जिस तरह से आज अपराधियों को भारत देश में संरक्षण प्राप्त हो रहा है, एक तरफ महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी चुपचाप बैठे हुए हैं। हम लोगों को अपराधियों को फांसी से कम मंजूर नहीं है और हमें तो शर्म आती है उन लोगों को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर नरेंद्र मोदी जी और उनके कई नेता अपने घर के महिलाओं से कैसे नजरें मिला पाते होंगे, जितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। अरे क्या आप मन की बात करते हैं, आप मन की बात महिलाओं को सुनो, और अगर नहीं सुनेंगे तो महिलाएं उनसे बदला लेगी इस कुकृत के लिए। अब समय आ गया है कि उठो द्रौपदी, सस उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। भाजपा के राज में बेटियां बहुत सुरक्षित नहीं है। लोग शस्त्र उठाएगी, आगे क्या शस्त्र उठाएगी, ऐसा तरीके का, इस तरीके का घटनाएं घटती है तो क्या? लोकतंत्र में राजनीति शस्त्र अपना मताधिकार होता है और हम लोग भारत की जो महिलाएं हैं, जितना बड़ा आज यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है, हम लोग इसका जवाब वक्त आने पर जरूर देंगे। के माथे पर लिखा हुआ था किस धर्म का है, किस बिरादरी की है। अरे बेटी की इज्जत दुर्गा है, वह भवानी है, वह काली है, चंडी है, और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में शर्मसार हो रहा है देश, क्या हो रहा है देश के अंदर में। और ये देश का कायर प्रधानमंत्री, 56 इंच का फर्जी सीना है इसके पास। एक बार मणिपुर जा नहीं रहे, ये मणिपुर जाना चाहिए इनको, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, नहीं संभल रहा है। वहाँ मंत्री के घर में आग लगाया जा रहा है, MLA कह रहे हैं कि 5-5 और घटना हुई है, 72 दिन बाद सूचना प्राप्त हो रही है। भाई यही है डिजिटल इंडिया आपका। हम कोई राजनीतिक आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं, महिलाओं की इज्जत के सवाल पर जाति धर्म में मत बांटो। ये अध्यात्म की भूमि है, दुर्गा की भूमि है, ऐसा दंड लगेगा ना कि जन्म जन्मांतर याद रहेगा। नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में महिला सुरक्षित नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे ये कहीं कुछ, देखिए फिर मैं राजनीतिक संदर्भ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मणिपुर में सर्वदलीय पहल होनी चाहिए, सामाजिक समूहों की पहल होनी चाहिए, और माँ बेटी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो, उसको कोई धर्म के नाम पर बोले तो उसके राजनीति की दुकान में आग लगा देना चाहिए। तो अभी आपने देखा किस तरीके से पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा भारी संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफे की मांग किया जा रहा है। इनका कहना है कि बिहार में लाठीचार्ज होता है तो पार्टी के द्वारा टीम गठित कर भेज दिया जाता है, लेकिन मणिपुर में इतना शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, उनको इस्तीफा दे देने चाहिए। धन्यवाद, ऐसी तमाम खबरों पर जुड़े रहे हमारे साथ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।